हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि इजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज किस वीडियो लेक्चर में हम डेयरी केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 2 डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल से हमने डेयरी केमिस्ट्री एंड एनिमल न्यूट्रिशन इस सब्जेक्ट की वीडियो स्टार्ट किए हैं, और कल हमने इसका वीडियो नंबर 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने मिल्क एंड इट्स कंपोजिशन नाम से जो है मिल्क के कंपोनेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस किया था। साथियों, आज इस सीरीज़ को हम आगे प्रोसीड करते हुए वीडियो लेक्चर 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिल्क इस टाइटल को डिस्कस करेंगे, और हम जानेंगे दूध के कुछ भौतिक रासायनिक गुणों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो वीडियो लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, पर स्टार्ट करने से पहले एक बार उन सभी साथियों से जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है, या जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेक्चर लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले प्राप्त हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी इस वीडियो लेक्चर से ज़्यादा लाभान्वित हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट हो सके। वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं वो किस रूप में मिल्क में पाए जाते हैं। तो साथियों, जैसे पहले आप देख रहे हैं कि लैक्टोज और जो मिनरल्स होते हैं, लैक्टोज मीन्स आपका मिल्क शुगर और मिनरल्स, ये जो है ट्रू सॉल्यूशन के रूप में, या कह सकते हैं कि सत्य विलयन के रूप में, ठीक है, पाए जाते हैं। ये ट्रू सॉल्यूशन के रूप में उसमें डिजॉल्व होते हैं। और बात करें हम प्रोटीन और बाकी जो शेष जो मिनरल्स हमारे जो बच जाते हैं, अधिकांश जो मेजर मिनरल्स हैं वो तो आपका ट्रू सॉल्यूशन के रूप में होते हैं, लेकिन कुछ शेष जो मात्रा में जो और बच जाते हैं, तो वो प्रोटीन और खनिज जो पदार्थ हैं वो कोलाइडल के रूप में भी होते हैं। वैसे एक बार आपको समझा देते हैं, कहने का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि लैक्टोज यानी जो मिल्क शुगर है और जो मिनरल्स हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, जैसे मान ली 100% मिनरल्स हैं, तो 100% में से 90 से ज़्यादा एबव जो है मिनरल्स तो वो ट्रू सॉल्यूशन के रूप में होते हैं, प्लस लैक्टोज, ये दोनों ट्रू सॉल्यूशन के रूप में, सत्य विलयन के रूप में होते हैं। लेकिन कुछ जो मिनरल्स बच जाते हैं वो प्रोटीन के साथ में कोलाइडल फेज में पाए जाते हैं, वो कोलाइडी अवस्था में होते हैं। आगे बात करें फैट की, बात करें वसा की, तो वसा जो है इमल्सन यानी पायस के रूप में पाया जाता है। वसा किस रूप में होता है, तो वसा साथियों होता है इमल्सन के रूप में। केसिन की बात करें, केसिन यानी जो प्रोटीन है, केसिन जो है कोलाइडल सस्पेंशन के रूप में पाई जाती है। तो केसिन जो एक प्रकार की प्रोटीन है वो किस रूप में होती है, तो केसिन कोलाइडल सस्पेंशन के रूप में होती है। आगे बात करते हैं एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ये भी प्रोटीन है, तो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन जो प्रोटीन्स होती हैं ये किस रूप में होती हैं, तो साथियों जो कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में होती हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा डेयरी केमिस्ट्री के जो आपका जो सब्जेक्ट है उसमें से एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आने वाला है। फिर से एक बार इसको देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। जैसे लैक्टोज और मिनरल्स की हमने बात की, तो ये ट्रू सॉल्यूशन के रूप में, बाकी जो शेष जो मिनरल्स बचे हुए हैं और प्रोटीन्स, ये होते हैं कोलाइडल फेज में। फैट जो है आपका इमल्सन के रूप में होता है, पायस के रूप में, और केसिन जो प्रोटीन है एक प्रकार की, वो कोलाइडल सस्पेंशन के रूप में, और एल्बुमिन और ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं, और अब बात करते हैं मिल्क के कलर की। तो मिल्क में जो डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स के कारण कलर होते हैं, तो कौन से पिगमेंट्स के कारण या किस वजह से मिल्क में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो दूध का सफ़ेद रंग होता है, तो व्हाइट कलर ऑफ जो मिल्क होता है वो केसिन और फैट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, तो ये केसिन और फैट की वजह से पाया जाता है। दूध का क्या, दूध का सफ़ेद रंग जो होता है वो केसिन यानी जो एक प्रकार की प्रोटीन है, और फैट यानी वसा, इनकी वजह से दूध का सफ़ेद रंग पाया जाता है। आगे चलें, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखें, तो दूध के सफ़ेद रंग के लिए कैल्शियम भी जिम्मेदार होता है। तो वाइट कलर के लिए आप इन दोनों पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं कि जो वाइट कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है या पिगमेंट्स हैं, तो सबसे पहले केसिन प्रोटीन और फैट, और साथ ही साथ कैल्शियम भी रिस्पॉन्सिबल होता है वाइट कलर ऑफ मिल्क के लिए, दूध के सफ़ेद रंग के लिए। आगे बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं, तो दूध का जो पीला रंग होता है यानी जो येलो कलर होता है मिल्क का, वो किसके कारण होता है, तो इसके लिए एक पिगमेंट या एक वर्णक जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है कैरोटीन। तो कैरोटीन के कारण जो है दूध का पीला रंग पाया जाता है। वे यानी जिसे आप मट्ठा कहते हैं, तो वे का जो ग्रीन येलो कलर होता है वो किसके कारण होता है, तो वे का जो ग्रीन येलो कलर होता है, मतलब हरा पीला रंग जो होता है वो होता है राइबोफ्लेविन के कारण। राइबोफ्लेविन के कारण वे का ग्रीन येलो कलर पाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। दूध के पीले रंग पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे जो कारक होते हैं वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि जो एनिमल है उसकी ब्रीड भी इस पर इफेक्ट डालती है कि किस नस्ल का पशु है और उनका जो फीडिंग जो बिहेवियर होता है, मतलब उसको किस तरीके से भोजन, किस तरीके से आहार दिया जा रहा है, ये भी उस पर डिपेंड करता है। और जो फ्लैट ग्लोब्यूल्स होती हैं, जो वसा गोलिकाएँ होती हैं, इनका साइज़ भी डिपेंड करता है कि वसा गोलिकाओं का या फ्लैट ग्लोब्यूल्स का साइज़ क्या है। और साथ ही साथ जो उसका पशु का व्यक्तित्व होता है, उसकी इंडिविजुअलिटी होती है, उसका जो नेचर होता है, ये भी डिपेंड करता है। तो दूध के पीले रंग पर ये सारे फैक्टर्स जो है एक प्रकार से उसको प्रभावित करते हैं, उसकी ब्रीड, उसका जो फीडिंग बिहेवियर, किस तरीके से उसको पोषण दिया जा रहा है, किस तरीके से उसको आहार दिया जा रहा है, फ्लैट ग्लोब्यूल्स का साइज़ और उसका जो पशु का व्यक्तित्व, ये सारी चीज़ें उसको जो है प्रभावित करती हैं। किसको प्रभावित करती हैं, दूध के पीले रंग पर ये सारे फैक्टर्स, ये सारे कारक उसको प्रभावित करते हैं। आगे चलें, अगले पॉइंट की बात करें, अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। तो पानी मिलाए गए दूध व सेपरेटा दूध, अगर आपने दूध में पानी मिला दिया है, अर्थात एडल्ट्रेशन कर दिया है, आपने दूध का मिश्रण कर दिया है पानी मिला करके, अगर आपने दूध में पानी मिला दिया है, या फिर सेपरेटा दूध की बात करें, तब दूध का जो कलर होता है वो हल्का नीला हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर दूध में आप पानी मिला दें या फिर आप सेपरेटा मिल्क का कलर देखेंगे तो वो उसका कलर हल्का नीला होता है। बात करें गाय के दूध में, जो बड़ी बड़ी वसा गोलिकाएं होती हैं, जो फैट जो ग्लोबुल्स हैं, इनका जो बड़ा साइज़ होता है, वसा का प्रतिशत मात्रा अधिक होने पर, अगर ये बड़े आकार की जो फ्लैट ग्लोबुल्स हैं, इनका परसेंटेज या इनकी प्रतिशत मात्रा अगर ज़्यादा हो गई है, तो इससे क्या होता है कि दूध का जो रंग होता है गहरा पीला हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि यानी जो बड़े आकार की फैट ग्लोब्यूल्स हैं, वसा गोलिकाएँ हैं, ये अधिक से अधिक मात्रा में, इनका परसेंटेज अगर बढ़ जाता है, अधिक से अधिक मात्रा में हो जाती है, तो जो दूध का जो कलर है वो हल्का सा जो पीला कलर है, वो पीला कलर और डार्क हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब हम बात करेंगे फ्लेवर ऑफ मिल्क की। दूध में जो उसका जो सुवास होता है, या उसका कह सकते हैं कि जो उसका फ्लेवर या उसका सुगंध होती है, तो फ्लेवर का मतलब हम समझते हैं, फ्लेवर मीन्स आपका टेस्ट और स्मेल, इन दोनों को मिला करके, उसकी गंध और स्वाद को मिला करके फ्लेवर को हम जानते हैं। फ्लेवर मीन्स होता है आपका टेस्ट प्लस स्मेल, टेस्ट प्लस स्मेल को मिला करके फ्लेवर को हम कंसिडर करते हैं, फ्लेवर को हम समझते हैं। बात करें लैक्टोज के कारण, जो लैक्टोज यानी जो मिल्क शुगर है, के कारण मीठा जो है टेस्ट होता है, जो लैक्टोज है यानी जो मिल्क शुगर है, तो शुगर का मतलब ही होता है, शुगर मीन्स आपका उसका टेस्ट यानी मीठा होगा, शुगर जो आपका सैक्रान से बना है, तो शुगर मीन्स आपका लैक्टोज शुगर के कारण जो दूध का जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है। और मिनरल्स जो होते हैं, जो खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थों के कारण उसका जो टेस्ट होता है वो सैल्टी हो जाता है, नमकीन हो जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लैक्टोज के कारण दूध का जो टेस्ट होता है, जो उसका जो स्वाद है वो मीठा रहता है, स्वीट होता है, और जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थों के कारण उसका जो टेस्ट होता है वो नमकीन यानी सैल्टी हो जाता है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 15 पर। तो ब्याध की अंतिम अवस्था में, जो लैक्टेशन जब लास्ट स्टेज चलती रहती है, मतलब जब पशु जो है आपका कह सकते हैं कि ड्राई पीरियड में आने वाला होता है, अर्थात अंतिम अवस्था जब होती है उस एनिमल की, उस पशु की, ब्याध की, लैक्टेशन की, और या उसको अगर थैनाला रोग हो गया है, मैस्टाइटिस रोग हो गया है, तो इन दोनों कंडीशंस में क्या होता है कि उस पशु का जो दूध है उसका टेस्ट जो है नमकीन हो जाता है, सैल्टी हो जाता है। क्योंकि क्या कारण है, इसका क्या कारण हो सकता है, तो इन दोनों कंडीशंस में जब लैक्टेशन की लास्ट स्टेज होती है या फिर उसे मैस्टाइटिस यानी थैनेला रोग हो गया है, तो ऐसी अवस्था में लैक्टोज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और उसमें जो मिनरल्स होते हैं, जो उसमें खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, और स्पेशली उसमें जो क्लोराइड होता है इसकी मात्रा अधिक हो जाती है। तो लैक्टोज की मात्रा कम हो जाना, क्लोराइड की मात्रा का अधिक हो जाना के कारण लास्ट स्टेज जो होती है लैक्टेशन की, यानी जब पशु जब ड्राई पीरियड में आने वाला होता है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं कि पशु छुटा गया है, मतलब दूध देने की अब दूध नहीं देता है, तो उस लास्ट स्टेज में, ब्याध की अंतिम अवस्था में, लैक्टोज की मात्रा कम हो जाएगी और क्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण उसका जो टेस्ट होता है दूध का वो सैल्टी हो जाता है, नमकीन हो जाता है। चलिए अब अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क, दूध का आपेक्षिक घनत्व की बात करेंगे। तो दूध की आपेक्षिक घनत्व से संबंधित हम कुछ फैक्ट्स को यहाँ पर आप जानेंगे। तो जो वसा होता है यानी जो फैट होता है, इसका आपेक्षिक घनत्व सबसे कम होता है, क्योंकि वसा जो है, वसा सबसे हल्का होता है, और सबसे हल्का होने के कारण इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 0.093 होता है, मतलब एक से भी कम होता है, 0.93 होता है, 0.93 इसका आपेक्षिक घनत्व होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है किसकी, फैट की, वसा की।
अगले बिंदु की तरफ चलें, अगले पॉइंट की तरफ बात करें तो दूध में जल मिलाने से अगर इसमें आप वाटर को मिक्स कर देते हैं किसमें, दूध में, तब क्या होता है, इसका आपेक्षिक घनत्व जो है कम हो जाता है। अगर आप दूध में जल मिला देंगे तब इसका आपेक्षिक घनत्व कम हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि अगर आप दूध में अगर पानी को मिला देते हैं तो आप इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी जो है कम हो जाएगी। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखें कि गाय के दूध का जो आपेक्षिक घनत्व होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दूध की सॉरी गाय के दूध का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो होता है आपका 1.028 से लेकर के 1.03। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है 1.028 से लेकर के 1.03 ये होता है गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व। और भैंस की बात करें तो भैंस का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो भैंस के दूध का जो आपेक्षिक घनत्व है वो है आपका 1.03, ये 2.8 था, ये 3 है, थोड़ा सा ज़्यादा है, से लेकर के 1.032, ठीक है, तो 1.03 से लेकर के 1.032, ठीक है, ये होता है भैंस के दूध का आपेक्षिक घनत्व। सेपरेटा जो दूध होता है, सेपरेटा दूध का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो इसका थोड़ा सा और ज़्यादा होता है सेपरेटा दूध का आपेक्षिक घनत्व, और ये होता है 1.038। याद रखिएगा इन तीनों का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है आपेक्षिक घनत्व, इसको याद रखिएगा, सेपरेटा दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है 1.038 और भैंस का होता है 1.03 और से लेकर आपका 1.032 और गाय का होता है 1.028 से लेकर 1.03। तो इन तीनों को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट तीनों के तीनों फैक्ट हैं। आगे बात करते हैं फैक्ट नंबर 21 पर, या कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर हम मूव करते हैं। दूध का आपेक्षिक घनत्व हम किस टेम्परेचर पर कह सकते हैं, किस तापक्रम पर निकालते हैं, तो वो हम 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसको हम ज्ञात करते हैं। तो याद रखिएगा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है आपेक्षिक घनत्व है उसको हम मतलब कितने तापक्रम पर निकालेंगे, तो ये 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसको हम ज्ञात करते हैं। तो 60 या 68 दोनों में से किसी एक को निकाल लेते हैं, 60 पर भी निकाला जाता है और 68 पर भी निकाला जाता है, किसको निकालते हैं आपेक्षिक घनत्व को, स्पेसिफिक ग्रेविटी को। और आपेक्षिक घनत्व निकालने की तीन विधियां हैं, कौन कौन सी तीन विधियां हैं आपेक्षिक घनत्व निकालने की, तीन विधियां हैं कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। तो पहली जो पहला जो मेथड है वो है आपका बोतल द्वारा, ठीक है, बॉटल के द्वारा, दूसरा है वेस्टफॉल बैलेंस के द्वारा, और तीसरा है लैक्टोमीटर के द्वारा, जो कि सबसे ज़्यादा लैक्टोमीटर के द्वारा ही स्पेसिफिक ग्रेविटी आपेक्षिक घनत्व को निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। आगे चलें, अब अगले हम बिंदु की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा जो पॉइंट है वो है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क। फ्रीजिंग पॉइंट में हम सबसे पहले जानेंगे काऊ मिल्क यानी जो गाय का दूध है उसका फ्रीजिंग पॉइंट या उसका हिमांक क्या होता है। तो इसका जो हिमांक होता है वो होता है -547 डिग्री सेल्सियस यानी -547 डिग्री सेल्सियस, और बफेलो का होता है -549 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस है, 547 होता है काऊ का डिग्री सेल्सियस और बफेलो का होता है -549 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करें दूध में जल मिला दें, अगर दूध में आप पानी को मिला देते हैं तो जो एडल्टर्ड जो मिल्क है मतलब जो अपमिश्रित दूध है उसका हिमांक या कह सकते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, उसका हिमांक बढ़ जाएगा। अगर आप दूध में अगर पानी मिला देंगे तब उससे क्या प्रभावित होगा कि जो अपमिश्रित दूध है उसका हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और देखिए सदैव जो है, एक बात और याद रखिए इसमें कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जो हिमांक निकालते हैं मतलब जो कोई भी लिक्विड है तो किस बिंदु पर जम जाता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट सदैव हम ताज़े दूध का निकालते हैं, क्योंकि जब दूध को आप कुछ समय के लिए रख देते हैं और उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, उसमें खट्टापन आ जाता है, तब उसका हिमांक घट जाता है। तो हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमेशा हम फ्रीजिंग पॉइंट को ताज़े दूध में कैलकुलेट करते हैं, ताज़े दूध में उसको हम ज्ञात करते हैं। अब आगे चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्वथनांक की बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो जो जल का जो क्वथनांक होता है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर कोई भी जो लिक्विड होता है वो बॉयल कर वेपर में या कह सकते हैं गैस में वो कन्वर्ट होने लगता है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका होता है मतलब कब वो उबलने लगता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और उससे ज़्यादा जब उसको करेंगे तो फिर वेपर्स के रूप में वो चला जाएगा, वो भी बात सही है। वाटर का जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और मिल्क का जो होता है वो हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसका 100.17 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको याद रखिएगा, 100.17 डिग्री सेल्सियस कितना होता है इसका क्वथनांक, तो वो होता है 100.17 डिग्री सेल्सियस।
बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये आपका जिसे आप बोलते हैं क्वथनांक, मीन्स जब कोई लिक्विड होता है उसको किस टेम्परेचर तक उसको मतलब उसको हीट करें कि वो बॉयल करने लगे, उबलने लगे, इसलिए इसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब वो स्टडी फेज में होता है, आप उसको इतना टेम्परेचर दे दें कि वो फिर उबलने लगे, वो जो है बॉयल करने लगे, तो उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है और मिल्क का होता है 100.17 डिग्री सेल्सियस, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलें, विस्कोसिटी की बात करें, विस्कोसिटी मीन सैनता। तो विस्कोसिटी क्या होता है, कोई भी लिक्विड जो होता है उस लिक्विड में कितना थिकनेस है, कितनी उसका गाढ़ापन है, उसे ही कहते हैं सैनता कहते हैं। तो जो फ्रेश मिल्क की विस्कोसिटी होती है वो 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ज्ञात करते हैं, और 20 डिग्री सेल्सियस पर जो ताजे दूध की जो सैनता है या विस्कोसिटी है वो होती है 1.5 से लेकर 2 सेंटीपाउस। तो इसको सेंटीपाउस में कैलकुलेट किया जाता है, सेंटीपाउस में उसको ज्ञात करते हैं। भंडारण द्वारा यानी जब उसको स्टोर किया जाता है, किसको, मिल्क को जब स्टोर करेंगे, उसको भंडारित करेंगे, और या फिर जब उसका जो एसिडिटी बढ़ जाएगी, जब उसकी अम्लता में विकास होगा यानी शेयरिंग हो जाएगी, तब उसे सैनता बढ़ जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब उसको स्टोर करेंगे कुछ समय के लिए रख देंगे, उसकी अम्लता बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी, तो इससे उसकी सैनता यानी विस्कोसिटी बढ़ती है। तो इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, ताजे दूध की सैनता 20 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है, तो 1.5 से 2 सेंटीपाउस होती है, याद रखिएगा इसको। और जब उसको स्टोर कर देते हैं, जब उसको भंडारित करते हैं, या उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उससे सैनता भी उसकी बढ़ती है। अब हम बात करते हैं एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क। एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये उभयधर्मी गुण होता है किसका, दूध का। उभयधर्मी का मतलब यानी दो प्रकार के कैरेक्टर। तो जो मिल्क है, मिल्क में सामान्य ताजे दूध में अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण होते हैं, और ये अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण किसकी वजह से होते हैं, तो साथियों ये दोनों गुण होते हैं प्रोटीन के कारण। तो उसमें एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी पाई जाती है किसमें, मिल्क में अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण होते हैं, और अम्लीय गुण होने के कारण क्या होता है कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और क्षारीय गुण होने के कारण ये क्या करता है कि लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देता है। तो इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण होते हैं, और अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण होने का कारण जो है वो प्रोटीन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं, एसिडिटी की बात करते हैं, मिल्क की अम्लता की बात करते हैं। तो जो ताजे दूध की जो टाइट्रेबल एसिडिटी होती है वो दूध में उपस्थित केसिन और फास्फेट के कारण होती है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो ताज़ा दूध है यानी आपका जो फ्रेश मिल्क है उसकी जो टाइट्रेबल एसिडिटी है, टाइट्रेबल एसिडिटी है अनुमाप पे, मतलब जो मापा जाता है, जिसको आप मापते हैं उसको, उसे आप बोलते हैं टाइट्रेबल एसिडिटी कहते हैं, तो वो केसिन और फास्फेट के कारण होती है। तो फ्रेश मिल्क की अनुमाप अम्लता जो है केसिन और फास्फेट के कारण होती है। गाय के ताजे दूध की जो प्राकृतिक अम्लता होती है, इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है, गाय के दूध की यानी जो फ्रेश मिल्क है किसका, काऊ का, उसकी नेचुरल एसिडिटी क्या है, उसकी प्राकृतिक एसिडिटी क्या है, प्राकृतिक अम्लता क्या है, तो वो होती है आपका 0.11 से लेकर के 0.14%। तो 0.11 से लेकर के 0.14% होती है, और भैंस की जो होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो 0.14 से लेकर के 0.18%, इसको याद रखिएगा, दोनों ही फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। गाय की होती है 0.11 से लेकर 0.14, और जो भैंस इन बफेलो की होती है नेचुरल एसिडिटी वो होती है 0.14 से लेकर के 0.18%। अब बात करते हैं दूध की जो अनुमाप अम्लता लैक्टिक अम्ल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी का जो कारण माना जाता है वो लैक्टिक एसिड को माना जाता है। जैसे मिल्क है, फ्रेश मिल्क में एसिडिटी बढ़ गई, उसकी अम्लता बढ़ गई, उसका कारण ये होता है कि जो लैक्टोज शुगर है, लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है। तो लैक्टिक अम्ल को हम कारण के रूप में मानते हैं कि किसी भी अगर फ्रेश मिल्क की, ताजे दूध की जो अम्लता बढ़ती है, मतलब उसको आप रखें कुछ समय के लिए, उसकी अम्लता बढ़ रही है, तो उसका कारण लैक्टिक अम्ल को मान लिया जाता है, ऐसा माना जाता है। अब आगे बात करते हैं अम्लता, एसिडिटी जो है आपका अगर 0.3% से ज़्यादा हो गई है, ठीक है, 0.3% अगर हो गई है, तो आप दूध को जब गर्म करेंगे तो वो क्वैगुलेट हो जाएगा, वो अस्कंदित हो जाएगा। 0.3% अगर एसिडिटी हो गई है, वैसे फ्रेश मिल्क की हमने अभी ऊपर जस्ट डिस्कस की है कि गाय की होती है 0.11 से लेकर 0.14%, और भैंस की होती है 0.14 से लेकर के 0.18%, और ये कह रहे हैं 0.3% की बात कर रहे हैं। तो 0.3% होने पर अगर आप मिल्क को बॉयल करेंगे, ठीक है, उसको गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर वो क्वैगुलेट हो जाएगा, वो अस्कंदित हो जाएगा, कह सकते हैं कि जिसे आप बोलते हैं फट जाएगा। और जब इसकी एसिडिटी हो जाएगी 0.6% इसकी एसिडिटी हो जाएगी, अम्लता हो जाएगी, तो आप दूध को अगर गर्म नहीं करेंगे तब उस समय भी वो क्वैगुलेट हो जाएगा, उस समय भी वो अस्कंदित हो जाएगा। तो याद रखिएगा, 0.3% पर आप गर्म करेंगे तब वो क्वैगुलेट होगा, अस्कंदित होगा,
लेकिन अगर 0.6% हो जाएगी उसकी एसिडिटी मिल्क की, तो बिना बिना बॉयल किए हुई वो कोएगुलेट कर जाएगा, वो स्कंदित हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पीएच की, तो जो फ्रेश मिल्क है, जो ताज़ा दूध है, उसका पीएच जो होता है 6.6 होता है। तो ये था आज की इस वीडियो लेक्चर में मिल्क के फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ा और जाना जो है। अब अगर आप इस वीडियो लेक्चर का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, तो अगर आप इसको लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आपको वन बाय वन सारे पैराग्राफ्स का स्क्रीनशॉट दे देते हैं, इतना हो गया होगा, और इसके बाद फिर आगे हम चलते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट अगले पेज पर चलते हैं, और ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क, बॉइलिंग पॉइंट और विस्कोसिटी ऑफ मिल्क, एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क, उसके बाद एसिडिटी ऑफ मिल्क और पीएच, ये सारी स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे। तो साथियों आज की इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, जल्द ही एक नए वीडियो के साथ में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही वीडियो लेक्चर देखते रहिए, और जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशन है उसको आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट करते रहिए, जिससे कि जो भी कोई त्रुटि हो वीडियो लेक्चर में उसको हम सुधारने का प्रयास करें। जल्दी हम एनिमल डेयरी केमिस्ट्री एंड एनिमल न्यूट्रिशन का नया वीडियो लेक्चर लेकर कल आपके आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ऐसे ही वीडियो लेक्चर को देखते रहिए। जय हिंद, जय।